थैंक्स टू रजनी जी बिकॉज शी इज माई प्रोड्यूसर सिंगर माई सिस्टर एवरीथिंग कि उन्होंने मुझे ये गाना भेजा सुनाया एंड मैं तो बिल्कुल उछल गई मेरे ठुमके तेयू की बिहार इतना अच्छा लगा मुझे और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई बिकॉज मेरे DNA में यू नो डांस है तो मैंने कहा नहीं मंदिर अमेजिंग सॉन्ग है और इनकी इच्छा थी कि वो गाना जब बना रही थी तो वो मेरे बारे में ही सोच रही थी कि आई डू द सॉन्ग विद राखी एंड जब उनका विश्वास मुझ पर था तो इनके विश्वास पर मैं कितनी पूरी उतरी हूँ वो भी बताई थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना अच्छा बजट दिया कॉस्ट्यूम सेट इतना अच्छा लगा और विद इन वन डे हमने ये शूट को किया 3 चेंजेस किए और इतने बहुत सारे डांसर्स 50 डांसर्स के साथ में हम लोगों ने ये सॉन्ग का शूट किया एंड आई होप आई क्रॉस माई फिंगर कि पब्लिक को बहुत पसंद आएगा क्योंकि 56 छुरी है मैं हूँ 56 छुरी और मुझे वही इंसान प्यार करेगा जिसकी 56 इंच की छापा इस गाने में एक लाइन ऐसा है अभी आपको सुनने को मिलेगा गाने में एक लाइन भी आपने मिलके कि आप मेरे शीला भर के माने आई है ससुरी राखी की जवानी सो शीला मुन्नी सब होने के बाद आप 56 छुरी कैसे राखी सावंत इस गाने में 56 छुरी राखी सावंत यहाँ पे जवानी अपना भर के जवानी तो कुट कुट के भरी है yes, yes, yes. अरे आपको दिख रही होगी बहुत कुट कुट के भरी है nicely, very beautifully, she did her job. बहुत अच्छा किया thank you so much और 56 छुरी 2 लाइन गाओ गाइए ना please 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 गाना गाओ गाइए 56 छुरी मेरी नजरे बुरी मैं नैनो से मारू कटार रे लसिन कमरिया अनंत लड़ जाए दो धारी तलवार कोई बच ना सका ऐसा मुझ में नशा कोई बच ना सका ऐसा मुझ में नशा दिल पे करती हूँ वार रे मेरे ठुमके पे हाँ मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे मेरे ठुमके पे यूपी बिहार रे मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ मंदाकिनी जी का श्री भगवान करे पूरे बॉलीवुड में ऐसे प्रोड्यूसर मिले कि उन्होंने सब कुछ मेरे पे ही सौंप दिया कि राखी तुमको अच्छा सेट लगवाना है ये मेरा यूपी का ऐसा बहुत ही अच्छा फील है और कॉस्ट्यूम आपको क्या पहनना पहनो मेरी तरफ से पूरी छूट है तो मतलब अच्छे कॉस्ट्यूम दिए और राजीव इज द डायरेक्टर ऑफ द वीडियो राजीव खैची संजय उन्होंने कोरियोग्राफी की है अक्रम खान उन्होंने यू नो ही वॉज DOP कैमरामैन तो सब ने मिल के एक बजट में अच्छा सॉन्ग कर दिया मुझे लगता है कभी कभी पूरी फिल्म करते हो तो आपको लड़की नज़र नहीं आती हीरोइन एक गाना कर दो काफ़ी हो जाता है यू नो हाँ बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छा लग रहा है मंदाकिनी जी तो चाय से ज़्यादा टिटली गर्म है मुझसे अच्छा आप डांस करती हो गाती भी और डांस भी करती हो तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदाकिनी इस वीडियो में है और बहुत अच्छा डांस किया बहुत अच्छा गाना है आई एम सो इम्प्रेस मैंने फोर्स किया मैंने कहा यू हैव टू बी देयर बिकॉज सिंगर होना सॉन्ग में अगर सिंगर आ जाते हैं तो इट्स अ ट्रेंड ना ज़रूरी है नहीं कि तो अगर हमारी सिंगर वीडियो में रहेगी तो और खर्चा करेंगे ना उसे रिलीज करने के लिए वो ज़रूरी है और आप लोग ऐसा ब्लेसिंग्स कीजिए ऐसा गाना बनते रहे ऐसा हम लोग काम करते रहे और ऐसा मिलकर बहुत सारे काम करें आगे आने वाले समय में भी मैं ये 56 छुरी मूवी बनाने वाली हूँ मैं इस 56 छुरी के नाम को रजिस्टर ऑलरेडी कर चुकी हूँ गाना पहले बना यस
चाकपन छुरी, मतलब वो जितनी भी छुरी की अदाएं हैं, मिर्ची की अदाएं हैं, तिखी हैं, मतलब कातिल निगाहों से कत्ल करती हैं। वो बहुत अच्छी, आपकी टीम बहुत अच्छी है। और मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो व्हाट्सएप पे हैं, जो यूट्यूब में हैं, जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे हैं, तो मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं छप्पन छुरी गाना लेकर आई हूँ। सो आजकल सोशल मीडिया एज ए नंबर वन, यू नो, तो सोशल मीडिया आप ही को बनाती है और आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देती है। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि छप्पन छुरी वीडियो आ चुका है, आप इस पर डांस कीजिए अपने स्टाइल में। आप कैसे डांस कर सकते हैं, मैं पांच लड़के पांच लड़कियां इनके साथ, जो भी जिसका भी बेस्ट डांस हुआ, मैं उनके साथ डेट पर जाऊंगा। और मेरा वादा है, लोग वादा करके जाते नहीं है, आपको तो पता है कि मैं बोलती हूँ तो मैं करती हूँ। यस, पांच लड़का पांच लड़की जो राखी जी चूज करेंगे, उनका जाना आना खाना पीना सब हमारी तरफ से। हाँ, उनके एयर टिकट, हाँ बिल्कुल, एयर टिकट, रहना खाना पीना सब कुछ। और मेरे पति को बुरा भी नहीं लगेगा, चिंता ना कीजिए। हाँ, डेट पे जा रही हूँ बाबा शादी के बाद डेट पे जा रही हूँ। टिकटॉक पे जितने सारे इतने अच्छे डांसर्स हैं और नाखी जी रिनाउंड आर्टिस्ट है, एस्टैब्लिश आर्टिस्ट है, और छप्पन छुरी इतना अच्छा गाने को, नाखी जी के गाने को अलग, हम उनको हमारे दूसरी फिल्मों जो छप्पन छुरी फिल्म है, हम उनको कैरेक्टर देंगे, उनसे डांस भी, उनके साथ डांस भी करेंगे। दोनों की फेवरेट है पारुल चावला। एक क्लैप हो जाए पारुल के लिए, प्लीज। पारुल चावला ड्रग्स। और यस, आप भी हमारे गाने को, हमारे चीज को जो आपके सामने लाने के लिए जो पारुल जी ने ये मेहनत की है, और रियली आई हैंडसम पारुल जी। और ये कंपटीशन जो भी होगा ये पारुल जी के थ्रू ही होगा, सब कुछ के लिए जैसे आएंगे। नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे पूरी दुनिया छाई हुई है, मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करती है। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूंगी। और मुझे कितने दिन का डेडलाइन देंगे आप लोग, 10 से 15 दिन या 1 महीना? 1 मंथ। हाँ भाई, मेरा हनीमून होने वाला है अगले महीने, उससे पहले हो जाए। हाँ, 1 मंथ, बिकॉज अक्टूबर में आई एम गोइंग टू यूके, उसके पहले। लेकिन अलग अलग स्टाइल में हम लोग को हंसी आ जाने चाहिए छप्पन छुरी पे, अलग अलग स्टाइल में आप लोग डांस करो। राखी जी की वो नहीं होना चाहिए, हाँ है ना, उससे हटके कुछ अलग हो आपके अपने। हम लोग अपने वीडियो को सिलेक्ट करें। हाँ, तुम्हें इंटरव्यू देना, तुम नंबर और वो सब डाल सकते हो। शादी के बारे में बात करो। समझ गया, हमारे भावनाओं को समझ गया। मैम लुक सेंटर, लुक सेंटर मैम, सिंदूर है आपने काफी धमाल मचाया है, नाखुश है। मेरे मांग में सिंदूर है, मेरे गले में मंगलसूत्र है, और ये मेरी शादी की रिंग है। एक्चुअली थोड़ी लूज है क्योंकि ट्रायल नहीं किया था इसीलिए। और मेरी चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी कर ली है। और मेरे हस्बैंड का नाम है रितेश, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू रितेश। और वो मुझसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक्स टू माई बॉलीवुड, थैंक्स टू माई मीडिया के मुझे, मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे जनता तक पहुंचाया। और पता नहीं मेरे हस्बैंड को मुझसे कब प्यार हो गया, वो मुझे छुप छुप के देखते थे मेरे इंटरव्यूज़। वो कहते कि हर इंटरव्यू तुम एकदम बेबाक बोलती हो, तो उन्हें मुझ में 2-3 चीज़ें पसंद आई है। मैंने उनको कहा आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, सब तो कहते तू तो बहुत बेबाक है, बहुत बेबाक है। बहुत सारे लोग तो स्वयंवर के बाद शादी करने से डरते थे कि उनको ऐसा लगता था बाप रे पता नहीं क्या हो जाएगा करके। मैं लड़की नहीं, एक शोला हूँ, तो कहते नहीं मुझे बेबाक लड़की बहुत पसंद है, मुझे आप बहुत पसंद है। वो मेरे फ़ैन थे, मुझे व्हाट्सएप पे वो मुझे मिले, व्हाट्सएप पे हमारी मुलाकात हुई। वो मुझे रोज़ मैसेज भेजते थे, दिन में 2-2 बार 2-2 हज़ार टाइम यू नो आई लव यू भेजते थे। और पिछले एक साल से ये हमारा यू नो लव चल रहा है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया।
क्या आप सोच सकते हैं कि मैंने अपने फैन के साथ शादी करी? कोई अपने फैन के साथ शादी करता है? नहीं, मैंने ना उनका बैंक बैलेंस देखा, ना उनको देखा था, ना उनके परिवार को देखा, ना कुछ देखा। बस मुझे उनमें सच्चाई नजर आई। हर शादी, हर लड़की शादी तब करती जब हर बैकग्राउंड देखती है, हर चीज। मैंने ब्लाइंडली शादी करी और जब शादी के परि मतलब तब पता चला कि ओह माय गॉड, इज माइंड ब्लोइंग एंड मेरे हस्बैंड, इट्स अमेजिंग। लेकिन दीपक मिलाल के बारे में आपने ऐसे ही बोला था, एक सबसे अलग है, दुनिया में अलग है। नहीं नहीं, दीपक कलाल का तो इज लाइक माई ब्रदर, मेरा भाई है वो, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये कहते हैं कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई है। हाँ नहीं, वो जहाँ जाता है लोग उसे बहुत पीटते हैं, वो अपने पेरेंट्स के अंडर गारमेंट्स चुरा के ये सारी हरकतें पहनते हैं, जहाँ जाते लोग उन्हें पीटते हैं। तो इज लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई हैं, और दीपक कलाल को बहुत जल्द वो बिग बॉस में भी दिखेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटलों से मैंने गुजारिश की है कि कोई भी इंसान अगर उन्हें किडनी गिफ्ट करता है तो दैट विल बी सो। आपकी मैरिज में भाई साहब आए क्या? मेरे मैरिज में कोई नहीं आया। नहीं, दीपक कलाल जो आपके भाई बने? कोई नहीं, मेरे मैरिज में सिर्फ मेरा भाई आया। मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली थी। मैं क्षमा चाहती हूँ मीडिया से कि मैंने चुप छुपा के शादी करी। 28 जुलाई को JW मैरिड में मेरी शादी हो गई। एक हमने कोर्ट मैरिज करी, और एक मैं जीसस को बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने क्रिश्चियन स्टाइल में करी, और हमें मेरे हस्बैंड हिंदू है तो हम लोग हिंदू स्टाइल में करी। तीन स्टाइल में हमने शादी करी। कैसे सच मानेगी इस बात को? इस चीज के लिए बड़े, अब अगले साल मैं आपके सामने तीन बच्चे पैदा करूंगी तो आप समझ जाना कि हो गई है भाई। नहीं रियली, मॉम स्वेयर मेरी शादी हो गई है। कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अगले साल देखिए जी, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड एक साइंटिस्ट भी है, और मैंने हमेशा उन्हें कहा कि आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा, तो कहते हैं कि राखी तुम बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे करण अर्जुन बहुत पसंद है। देखा वॉट, हाँ आपके करण अर्जुन, कटरीना और विशाल शेखर बहुत पसंद है। मैंने कहा ओके, आई लव यू टू। सो ऐसे हमारा प्यार हो गया और मैं उनसे बहुत मिस करती हूँ। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो देखिए, मैं शादी इसलिए चुप चुपा के की क्योंकि वो एक बहुत बड़े पोजीशन पे, उनका बिजनेस है, उनका प्रोटोकॉल है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते। वो सिर्फ सलमान खान के फैन है, शाहरुख खान के फैन है, तो उन्होंने कहा दो शो में मैं पक्का आऊँगा, करण जौहर अगर अपने शो में बुलाएंगे तो मैं पक्का आऊँगा, और सलमान खान बिग बॉस में बुलाएंगे मुझे तो राखी मैं पक्का आऊँगा, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम टू कम, तुम ही फेस करो मीडिया से, तुम्हारी मीडिया से। मैंने कहा ओके ओके, पहले मैं फेस कर लूँगी, मुझे पता है मीडिया मेरी वो यकीन नहीं मानती है कि मेरी शादी हो गई है अभी भी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डोंट शेयर माई पिक्चर्स, बट विदाउट कैमरा मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरी शादी हो गई, अगर आप कैमरा ना देखें तो मैं आपको बता सकती हूँ। सलमान भी अभी सुन रहे हो कुछ खबर आई, सलमान के बारे में क्या ख्याल आपका? क्या सलमान नहीं, मैं आप लोग को नहीं दिखाऊंगी विदाउट कैमरा, विदाउट कैमरा। हाँ बोलिए, मगर सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सलमान जी देखिए, आप भी रहा देख देख के, अब तो मैंने शादी कर ली सलमान जी। मैं कहती हूँ शादी के बाद बहुत अच्छा लगता है। पता है आपको मेरे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई? जिस दिन शादी हुई उस दिन यू नो मेरा मेरी सुहागरात थी, यू नो, सो पूरे मीडिया में छा गया। क्या आपको पता है कि मेरे पति को भागना पड़ा, यूके तुरंत भागना पड़ा, और क्योंकि वो थोड़ा डर गए कि मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता हूँ। तो देखिए, तुम्हारी राखी का अभी तक खाता भी नहीं खुला है, क्या कर सकती हूँ जी, खाता नहीं खुला अभी तक। हाँ नहीं नहीं, अगले महीने में जा रही हूँ यूके। आई विश गॉड सलमान खान, अब तो मेरा खाता खुल ही जाना चाहिए। जी मैंने शादी इसलिए चुपके करी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को उनके पेरेंट्स ने एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी
का रिश्ता आया था और उनके पीछे बहुत एक उन्हीं के कंपनी की लड़की पड़ गई थी और उन्होंने प्रपोज कर दिया, वो लड़की ने उनको प्रपोज कर दिया था, तो उन्होंने कहा यू हैव 10 डेज आइदर यस आइदर नो यू वांट टू मैरी मी। उन्होंने बिल्कुल घुटने पर आके मुझे प्रपोज किया, मेरे पास वीडियो भी है वो, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। और बस उन्होंने मुझे 10 डेज का नोटिस दिया शादी का और मैंने कहा यस। तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से बात करी और फिर मेरी शादी। देखिए मैंने अपने हस्बैंड को एक ही बात बोला, उन्होंने बोला कि आपको मुझे में क्या अच्छा लगा, मैंने कहा देखिए आप बहुत अच्छे हैं, आपकी एक आंख नहीं होगी चलेगा, आपका एक हाथ नहीं होगा चलेगा, एक टांग नहीं होगी चलेगा, कुछ भी नहीं होगी चलेगा, बाबूरा होना चाहिए। फिर उनको